Religion is for man. Man is not for religion. But in ancient India, man was ruled by religion. Caste system was the order of the day. Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. बहुत प्यासा है, वो तड़प रहा है। मालिक, तू एक घूंट पानी दे दो मालिक, हम भूखा जी रहे मालिक। ले पानी, ले पानी, मालिक, जरूर हम लोग ने पिछले जन्म में कोनो बहुत बड़ा पाप किए होंगे। तो आज इतने बेबस और लाचार है मालिक, मालिक वो फिर से मालिक मर जाएगी मालिक। क्या इसे मारे जाने के लिए अब चाहे ठाकुर मारे और चाहे बीमारी। अछूत पालन, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। दया करो मालिक, मालिक दया करो। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को। कोई विकल्प नहीं, सवान खंडित कर दी जाए। ऐसा मत करना मालिक। मालिक अब शूद्रल की जान ले लो मालिक, हमारे चलना को बंद मालिक, मालिक बच्चा बच्चा।
वेद से लिख दो वेदों और पुराणों में किसका किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में पूछो ये पापों की पूछो ये पापों की रीत क्यों चले कल छोटे ठाकुर गांव वापस आए रहे हैं तो का मार दो पगलाए गए हो कहां तुम लोग पगलाए हम नहीं गए माधव पगलाए गए हैं वो लोग जो हम शूद्रन का कीड़ा माटी समझते हैं जो समझते हैं हमारी नसन में खून नहीं पानी दौड़त है अब वो पानी लाल हुई गया है पगलाए गए नहीं है माधव होश में आ गए हैं पानी पिलाएंगे पानी पी रहे पानी बाबा मुझे इस गांव में अब एक भी शूद्र जिंदा नहीं चाहिए किसी एक गांव की नहीं ये कहानी थी एक पूरे समाज की उस समाज पर किए गए जुल्म की दास्तां थी जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी इस अत्याचार के खिलाफ कई महापुरुषों का जन्म हुआ जिनमें महान टीबू कर वॉशिंगटन अब्राहम लिंकन मार्टिन लूथर किंग नेल्सन मंडेला और हिंदुस्तान में एक युग पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वीरों का साथ दिया वर्षों तक चले इस महासंग्राम में अंततः विजय मिली देश आजाद हो गया इस आजाद देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा और इस समाज को उन कड़े नियमों की बेड़ी से आजाद कराया और ऐसे नियम बनाए जो उन्हें मुख्य धारा में ला सके परंतु देयर क्राइम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ पब्लिक टैप हरियाणा के पानीपत में दबंगों ने एक दलित की जीभ काट डाली है अ दलित हु वाज रेप्ड एंड देन बर्नड टू डेथ बाय टू अपर कास्ट 17 ईयर ओल्ड ओडिशा'स पुरी डिस्ट्रिक्ट वॉर्न्स शेड्यूल्ड कास्ट फ्रॉम गोइंग नो फर्दर देन दिस वॉल यहां दलित होना किसी गुनाह से कम नहीं वर्षों से पूरी दुनिया में फैली हिंसा की मूल जड़ जाति व्यवस्था ही है अपनी जाति सभ्यता को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हिंसा और आतंकवाद का सहारा लेकर
दूसरी जाति को नीचा दिखाने का षड्यंत्र मात्र है। यदि हम अब भी नहीं जागे तो न मानव बचेगा न धर्म। हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सब समान हैं। समानता की भावना ही शांति का मूल मंत्र है। सर्वश्रेष्ठ धर्म है मानव धर्म। कुछ भी बदलना है तो स्वयं को बदलो। हृदय परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, give to ourselves this constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भारत के हर स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चे को भूल चुकानी याद है। उन 85 शब्दों में हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा झलकती है। वो सारे शब्द हमारे पहले नौ मिनिस्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े ध्यान से चुने थे। सब जानते हैं उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी। उन्होंने लाखों दलितों को जाति भेद के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया था। उनका जीवन एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और उस कहानी की शुरुआत हुई थी सतारा के एक छोटे से स्कूल से। की बात है जब हाथों में किताब लिए 9 वर्षीय भीम ने पहली बार महाराजा प्रताप सिंह हाई स्कूल में कदम रखा था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले महान शख्स का स्कूल में मजाक उड़ाया गया और उनके मंत्रियों के मन पर कई घाव किए गए। उन्होंने सबसे पहले स्कूल में जाति भेद का सबक सीखा। भीम एक महान थे। महाराज छूतों का बोतल था जिनका काम था मरे हुए गाय बैलों को गाँव से दूर ले जाना। वो हिंदू समाज की सबसे निचली जाति मानी जाती थी। उनका स्पष्ट दूर की बात है। उनकी आवाज और परछाइयों तक से लोग दूर भागते थे। स्कूल के ग्रामर टीचर्स ने छोटे भीमराव और उनके भाई को पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। कुछ टीचर्स पढ़ाने के लिए राजी हुए पर वो उन्हें बोरियों पर कोने में बिठाते थे जो खुद अपने घर बुलाते थे। उनका हर तरह से अपमान किया जाता था। जब उन्हें प्यास लगती तो उन्हें पियंग का इंतजार करना पड़ता जो आकर उनके मुंह में पानी डालता। सीधे अछूतों को पानी यहाँ तक कि पानी का मटका भी छूने की इजाजत नहीं थी। और जिस दिन वो पियंग नहीं आता था उन दोनों बेचारे भाइयों को पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। नन्ही भीम ने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई की। एक ब्राह्मण टीचर उनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने नन्हे भीम को एक नया सरनेम दे दिया। कहा जाता है कि इसी स्कूल में उनको अम्बेडकर जो नाम है पहले अम्बावड़ेकर था। इसी स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने उन्हें अम्बेडकर का नाम स्कूल में दिया। लेकिन नए सरनेम से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब अम्बेडकर जी का परिवार मुंबई आया हाई स्कूल में छोटे भीम को एडमिशन तो लिया लेकिन संस्कृत सीखने की इजाजत नहीं दी। उनका मानना था कि अछूत के पढ़ने से महान वेद अपवित्र हो जाएंगे इसलिए उन्हें मजबूरन कौशल भाषा सीखनी पड़ी। चाहे जिस रास्ते से भी जाओ जाति भेद नामक राक्षस हर राह पर खड़ा है। इस राक्षस को मारे बिना ना राजनीति में सुधार आ सकता है
और ना ही देश की उन्नति हो सकती है। सन 1907 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समुदाय के पहले शख्स थे जिन्होंने एल्फ्रेड सिंह हाई स्कूल से मैट्रिक पास की थी। उन्होंने सबको चौंका दिया था और फिर चौंकाने का सिलसिला जारी रखा। बड़ौदा के राजा का स्कॉलरशिप मिलने के बाद अंबेडकर बाकी नौजवानों की तरह इंग्लैंड में रवाना नहीं हुए। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका को चुना, जहाँ ना था कोई भेदभाव और थी आजादी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर जी को बिल्कुल नई दुनिया दिखाई, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी। हर सब्जेक्ट में तेज डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले सोशल साइंसेज में डॉक्टरेट हासिल की और फिर वो लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने आगे जाकर 50 से भी ज्यादा किताबें लिखी। कास्ट उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स और लॉ पर भी कई किताबें लिखी और पार्टीशन को सपोर्ट करने वाली भी एक किताब लिखी थी जिस पर कई उंगलियां उठी थी। वो कानून के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो एक बहुत ही टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने जाति भेदभाव पर भी कई अच्छी किताबें लिखी है। वो एक अकलमंद और क्वालिफाइड पॉलिटिशियन थे और शायद ही भारत में सदियों तक उनके जैसा कोई महान पॉलिटिशियन आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर, महाराज इज एक्सपेक्टिंग यू। इंग्लैंड से लौटकर अम्बेडकर अपने शुभ चिंतक बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ के पास आकर काम करने लगे। लेकिन उनकी कमाई इतनी सारी डिग्रियां भी उन्हें वहाँ एक घर नहीं दिला पाई। ऑफिस में भी उन्हें रोज अपमान झेलना पड़ता था। यू माइट बी अ सीनियर ऑफिसर बट यू कांट टच दिस वाटर। उनके चेहरे पर तेज दिखता था इंटेलिजेंस का। बड़े आत्मविश्वास के साथ वो छोटे से ऑफिस में जाते। उनके साथ काम करने वाले मामूली से क्लर्क्स थे, ऊंची जाति के। उन्होंने उनसे कहा कि तुम उस मटके से पानी नहीं पी सकते जिससे हम पीते हैं। यहीं से उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं देखो, मैं उसी मटके से पानी पीऊंगा। सन 1917 में डॉक्टर अम्बेडकर फिर से मुंबई आए और अपनी पत्नी रमाबाई के साथ दो कमरों की चौड़ में रहने लगी। स्वराज मूव में जोर पकड़ रहा था, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हुए थे। उनकी अपनी अलग और मजबूत सोच थी। वो अपने विचार अपने अखबार मूव नायक में लिखते थे, जिसे उन्होंने 1920 में शुरू किया था। उनका स्वराज के बारे में कहना था, जिस स्वराज में समाज के दुखियारों को मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे, वो उनके लिए स्वराज होगा ही नहीं। वो तो उनके लिए नई किस्म की गुलामी होगी। जब भारत का आजादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था, डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई के सिग्नल कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाना शुरू किया था। पहले उनसे दूर रहने वाले ब्राह्मण स्टूडेंट उनके लेक्चर सुनने के बाद जिंदगी भर के लिए उन्हें अपना गुरु मानने लगे। कॉलेज में तभी उनकी तस्वीर देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था। 1923 में अम्बेडकर जी ने मुंबई हाई कोर्ट में अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन बहुत अच्छे वकील होने के बावजूद उन्हें अछूत होने की वजह से ज्यादा केसेस नहीं मिलते थे। उन्होंने ठान ली थी कि वो बड़े पेपर से अछूत होने का धब्बा हटा कर रहेंगे। उन्होंने 1923 में ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा शुरू की, दलितों का साहस बढ़ाने के लिए और हिंदू समाज की बच्चे मुखी सोच को चुनौती देने के लिए। 4 साल बाद उन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उस समय महाराष्ट्र के महाड़ में पानी के तालाब को हिंदू मुस्लिम गाय बैल सभी इस्तेमाल कर सकते थे, सिवाय बहिष्कृत यानी दलितों के। भीमराव कुछ ऐसा करने निकल पड़े जिससे पूरा हिंदू समाज गुस्से से आग बबूला हो गया। हमें हमारा आत्मसम्मान चाहिए, ये नारा लगाते हुए वो हजारों दलितों को महाड़ के पानी के तालाब के पास ले गए। उन्होंने पानी को छुआ और फिर पिया थी, फिर बाकी दलितों ने भी वही किया। डॉक्टर अम्बेडकर के इस कदम से दोनों भूचाल आ गया था। आज 85 साल बाद उनके पोते प्रकाश उसी तालाब का पानी बिना किसी विरोध के पी सकते हैं।
डॉक्टर अम्बेडकर कितने महान काम कर गए हैं। उनका कहना था, बात सिर्फ पानी की नहीं है, बात इंसानियत की है, समानता की है। अछूत सचमुच अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ समझने लगे थे और उन्हें गुलामी से बचाने के लिए उन लोगों का खुद के बारे में अच्छा सोचना बहुत ही जरूरी था, साथ ही उनका जागना भी जरूरी था। दादाजी कहते थे, पानी तो किसी से भी भेदभाव नहीं करता। फिर क्या था, उन्होंने सबके सामने पहले खुद पानी पिया ताकि बाकी दलितों में भी हिम्मत जागे, और इस तरह उन्होंने वहाँ अपने हक का प्रयोग किया और लाखों दलितों ने उन्हें फॉलो किया। एक दिन बाद जब पंडितों ने तालाब के पानी का शुद्धिकरण किया तो अम्बेडकर जी को बहुत दुख पहुंचा। 8 महीनों बाद वो वापस महाट में आए और इस बार उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया, जिसे अम्बेडकर जी गुलामी का बाइबल कहते थे। अम्बेडकर जी का भेदभाव मिटाओ आंदोलन तेजी से जोर पकड़ रहा था। उनका अगला निशाना था नासिक का काला राम मंदिर। 1930 में अम्बेडकर जी और उनके साथी मंदिर के गेट के सामने खड़े हो गए थे। उनकी मांग थी कि दलितों को भी मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। उनके आंदोलन में दलितों पर बहुत लाठियां बरसाई गयी, कई दलित बुरी तरह घायल हुए। इस घटना के बाद बाबा साहेब का हिंदुत्व से भरोसा बिल्कुल उठ गया। मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, लेकिन मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं मरते वक्त हिंदू नहीं रहूंगा। 20 साल बाद उन्होंने अपना ये प्रण पूरा किया। आगे देखिए बाबा साहेब किस तरह भीमराव अम्बेडकर उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां उनकी आवाज को कोई अनुसरण नहीं कर सकता था। आजादी के लिए लड़ने के साथ साथ वो दलितों के लिए भी लड़ रहे थे। वो चाहते थे उन्हें भी सही मायने में आजादी मिले, वो पॉलिटिक्स में उन्हें जगह देना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। उनकी इस बात से कांग्रेस बहुत नाराज हो गई थी और उन्हें ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली कह रही थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो महान नेता गांधी जी और अम्बेडकर जी एक दूसरे से मिले। उनका उद्देश्य एक था लेकिन उनके तरीके अलग थे। अम्बेडकर ज्यादा खुले विचारों के थे, ज्यादा बोल्ड थे। वो दलितों को हिंदुत्व से बाहर ले जाना चाहते थे। गांधी जी को लगा कि छुआछूत को मिटाने से, दलितों को ज्यादा राजनैतिक सुविधाएं देने से वो हिंदुत्व को बचा सकते हैं, पर उनमें थोड़ी अनबन के बावजूद उन दोनों का लक्ष्य एक ही था। ब्रिटिश ने 1932 में दलितों के क्रिमिनल अवार्ड की घोषणा की। उन्होंने माइनॉरिटी को अलग से अपना लीडर चुनने का हक दिया। गांधी जी इस बात से नाराज हुए और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए पुणे यरवड़ा जेल में आखिरी सांस तक भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी। भूख हड़ताल की वजह से गांधी जी बहुत कमजोर होते जा रहे थे और लोग अम्बेडकर जी की निंदा करने लगे थे, तो उन्होंने कहा ओके हम समझौता करेंगे, और इस तरह दोनों ने आपस में बातचीत की और फाइनली पूना पैक्ट साइन किया गया। सब ठीक हो गया, पर ये बात भी सच है कि गांधी जी अम्बेडकर जी का दर्द समझते थे, और इसमें कोई शक नहीं कि अम्बेडकर जी भी गांधी जी की पीड़ा समझते थे। गांधी जी ने कहा था, और ये मेरी फिल्म में भी है, तुम तो दलित पैदा हुए हो पर मैंने अपनी मर्जी से दलित इंडिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच की कड़ाहट मिट गई।
और उसकी जगह समझदारी और आपसी भरोसे में ले ली। गांधी जी ने खुद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के लिए अम्बेडकर जी का नाम दिया था। लॉ मिनिस्टर बनकर डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी शुरू की, जिसका काम था सब कुछ ध्यान में रखते हुए इंडिया को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देना। बचपन में जिस लड़कों को उसकी कास्ट की वजह से अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट किताब लिख रहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुद्दा ये नहीं है कि भारत का भविष्य क्या होगा, मुद्दा ये है कि हमारी जातियां और सोच अलग होने के बावजूद क्या हम मिलकर एकजुट होकर सही निर्णय का साथ दे सकते हैं, क्या हमारी अनेकता में एकता हो सकती है। अगर हाँ तो दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। छब्बीस नवंबर 1949 को इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब भीमराव का लोकतंत्रता पर विश्वास और जाति भेदभाव से नफरत छलकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है और इसमें भारत ने छुआछूत को हमेशा के लिए बैन कर दिया। न्याय, आजादी और बराबरी हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया था। वो सिर्फ दलितों की भलाई के लिए नहीं बल्कि बाकी के लिए काम करते थे। एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ दलितों के बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचते थे। उन्होंने मजदूरों के लिए जो 1942 में किया था अब आप उसे ही देख लीजिए। उन्होंने सभी मजदूरों का वेतन बढ़ाने की बात की थी, सभी मजदूरों को अच्छा रहन सहन देने की मांग की थी। जब वो औरतों के लिए मैटरनिटी लीव मांग रहे थे तो सभी औरतों के लिए मांग रहे थे, सिर्फ दलित औरतों के लिए नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक बहुत ही नेक इंसान थे और सभी की भलाई के लिए सोचते थे। डॉक्टर अम्बेडकर अब बूढ़े हो रहे थे लेकिन वो नई नई चुनौतियां ढूंढते रहते थे, जैसे कि पानी बदलना। बाबा साहब दिल्ली से यहाँ मुंबई में आते थे तो उनको खास बुलावा भेजते थे कि भाई हमारे पास चले आइए, अब हम आ गए हैं, हमें अपनी तालीम आगे चालू रखनी है। तो इनके पास कितनी भी बड़ी हस्तियां बैठे हो उनको वो बोल देते थे अभी हमारे गुरु जी आ गए हैं, अब आपसे लिए समय हम अभी नहीं देंगे, उनका काम खत्म होने तक आपको बाहर बैठना होगा। बाबा साहब बड़े सेंटिमेंटल थे, उनके मन में क्या था पता नहीं है, उनके मन में कुछ किसी ने बताया तो कुछ दुख था और वायलिन के जो सुर है वो उनको एक किस्म के पसंद नहीं देते थे। शायद अपनी पत्नी रमाबाई और अपने चारों बेटों की कम उम्र में मौत होने के गम को कभी नहीं भुला पाए थे। उन्नीस सौ 1948 में 57 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा शादी की। उनकी पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर एक ब्राह्मण थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शादी को अमीर और गरीब की शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाना शुरू किया जिसका लक्ष्य था भारत की औरतों को और ज्यादा कानूनी हक देना, लेकिन हिंदू समाज में बदलाव लाने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बिल को लेकर विवाद छिड़ गया और प्रधानमंत्री नेहरू ने बिल को पास नहीं किया। अम्बेडकर जी ने 1951 में नाराज होकर यूनियन कैबिनेट ही छोड़ दिया। उनके अगले कदम ने हिंदुत्व की नींव को फैला कर रख दिया। अक्टूबर 14 को डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पत्नी के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि पर पहुंचे। अपने लाखों सपोर्टर्स की आंखों के सामने बाबा साहेब ने हिंदुत्व का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ उनके 4 लाख कॉलोनियों से भी उस दिन अपना धर्म बदला। दो महीने बाद
65 साल की उम्र में बाबा साहेब का देहांत हो गया। पचास साल बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यादें धुंधली नहीं पड़ी है। उनकी सोच और कर्मों ने हम सभी की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला है। सभी उनका नाम भारत के महान लीडर की लिस्ट में शामिल है और हमेशा रहेगा। वो अमर है। चल रही जो अब तलक वो बिरसा मुंडा की जय।
चिता जय भीम अपना मंत्र है। हमें गर्व है हम शूद्र है, हमें गर्व है हम शूद्र है, हमें गर्व है हमें गर्व है हम शूद्र है, हमें गर्व है हम शूद्र है, हमें गर्व है। जना